किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए खूब अच्छे अच्छे आंवले आ रहे हैं इस टाइम में। अभी मार्च के महीने तक आंवले अच्छे अच्छे आएंगे, तो हम क्यों नहीं आंवले की और भी रेसिपी बना सकते हैं हेल्दी टेस्टी। तो मैंने ये लिया है 1 केजी आंवले, ये फ्रेश आंवले हैं, आप देख सकते हो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया इनको। इस हिसाब से दागी आंवले नहीं लेने हमारे को, तो इससे कर लेंगे कद्दूकस आंवले को। इसी हिसाब से सारे आंवले कद्दूकस कर लेंगे, इसी हिसाब से ये आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए सारा आंवला हमने कद्दूकस कर लिया है, ये 1 केजी आंवला था तो इसमें गुठिया भी निकल गई। तो हम आंवले का क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसके लिए चाहिए हमारे को भगोने, ये भगोने में मैंने ले लिया पानी, और पानी में ये डालेंगे चूना, ये चूना का टुकड़ा लिया है मैंने, ये आसानी से मिल जाएगा मार्केट में, तो ये डाल देंगे इसमें। और अब डाल देंगे आंवला, ये चूना मैं इसलिए डाल रही हूँ लसीलापन जो हमारे आंवले में रहता है वो खत्म हो जाएगा इससे, और इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे रख देंगे छोड़ के, फिर बाद में बनाएंगे लड्डू। इस हिसाब से अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे 2-3 घंटे के लिए। इस हिसाब से 2-3 घंटे हो गए चूना में आंवला हमारे को डाला हुआ, तो एक बार कर लेते हैं। देखिए अब इसको छान लेते हैं छन्नी से, और एक बार साफ पानी से 2 बार धो लेते हैं इसको। 2-3 घंटे के लिए चूने में दिया था, तो पानी तो हमने निकाल लिया, इसको थोड़ा थोड़ा निचोड़ लेते हैं इस हिसाब से। मैंने 2 बार साफ पानी से धो लिया इसको। मैंने निचोड़ लिया इसको, देखिए ये पानी को हम पेड़ में दे देंगे। अब चाहिए हमारे को फ्लेम, गैस को कर देंगे ऑन। तो देखिए पैन गरम होगा, इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच घी, मैंने 4 चम्मच घी डाल दिया, बाद में और देखेंगे। ये डाल देंगे हम, इसको अच्छे से चलाना है हमारे को इसी हिसाब से मीडियम गैस पे 5-6 मिनट के लिए। तो इसमें घी और डालेंगे, इसी हिसाब से 2-3 मिनट हो गई। अब इसमें डालेंगे चीनी, चीनी आप आपके हिसाब से ले सकते हो। तो 1/2 किलो आंवले थे तो मैंने 150 ग्राम चीनी ली है, और गैस को हमारे को लो फ्लेम पे ही रखना है। तो 2-3 मिनट के लिए, 4-5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं मीडियम लो फ्लेम पे। 3-4 मिनट हो गई, तो एक बार देख लेते। तो देखिए चीनी अच्छे से पानी छोड़ना शुरू हो गया। अब ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई चीनी, इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे कर रखा है गैस मैंने, तो 4-5 मिनट हो गई, देख लेते हैं एक बार। तो अच्छे से पक रहा है, आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो गया इसका,
पर यह पूरी तरह से अभी पका नहीं है। इस हिसाब से तो 2-3 मिनट में खुला पकाती हूँ इसको, 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाती हूँ खुला। अब इसको ढकेंगे नहीं, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई आप देख सकते हो, तो पका लेते हैं 2-3 मिनट। तो मेरे को पकाते हुए खुला 2-3 मिनट हो गए। अभी इसमें घी डालेंगे, घी हमने पहले भी 4-5 चम्मच डाल दी थी। अब गैस में मीडियम पे कर दी, तो देखिए इसमें अब डाल देते हैं इलायची पाउडर, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो थोड़ा सा। तो इसमें बाकी बचा घी भी डाल देंगे हम। तो लड्डू का मिश्रण बनके तैयार हो गया है आप देख सकते हो। इसको 1-2-3-4 महीने तक खा सकते हो आप, 1 साल के लिए भी रख सकते हो, इसका कुछ भी खराब नहीं होगा। और इसमें खट्टापन भी कम हो गया, लचीलापन है आंवले में वो भी हट गया, कूने में डाल गए थे कूने के पानी में, तो आप जरूर लड्डू बनाएगा। तो इसको कर लेते हैं ठंडा। गैस को कर देती हूँ बंद। ठंडा हो गया तो इसका बना लेते हैं लड्डू टेस्टी यम्मी से। तो देखिए लड्डू आसानी से बन जाएंगे, जैसे आप बनाना चाहो वैसे। तो इस हिसाब से प्लेट में रख देंगे बना के। बेटा तो आंवले के लड्डू बनके तैयार हो गए, आप देख सकते हो कितने अच्छे लड्डू बने हैं यम्मी से टेस्टी से। अगर इसको आप कोकोनट पाउडर में भी वो कर सकते हो इस हिसाब से, और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे इस हिसाब से, खुशबू भी अच्छी लग रही है आ रही है, तो इसका मतलब है लड्डू अच्छे बने। देखिए लड्डू बनके तैयार हो गए टेस्टी से यम्मी से। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मेरे को जरूर बताएगा कमेंट करके। तो आज के लिए थैंक यू।